नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में जन स्वराज को लेकर अपने प्लान का खुलासा कर दिया है। उन्होंने किसी नई पार्टी का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ये संकेत दिया है कि वो अगले 3 से 4 महीने में ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार को बदलने की सोच रखने वाले 17,000 से अधिक लोगों को जोड़ा गया है, वो सभी से चर्चा करेंगे और यदि इसमें से अधिकांश की राय बनती है तो किसी संगठन या पार्टी का गठन किया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने 3,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा का भी ऐलान किया है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को पश्चिमी चंपारण से होगी। OnePlus 10R भारत में कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है और 4 मई से इसकी सेल भी शुरू हो चुकी है। चीन में कंपनी का यही स्मार्टफोन OnePlus ACE के नाम से बिक रहा है। ये फोन कई शानदार फीचर्स और 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। प्रीमियम फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बावजूद यूजर्स को इस डिवाइस में समस्या आ रही है। चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट वीवो पर एक यूजर ने लिखा है कि उनका OnePlus से इस स्मार्टफोन 1 घंटे की गेमिंग में ही काफी ज्यादा हीट हो जा रहा है। हनुमान चालीसा विवाद में जमानत पा चुकी लोकसभा सांसद नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट ने एक और राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा है कि वो जुलाई में लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा की उस अपील पर सुनवाई करेगी जिसमें मुंबई उच्च न्यायालय के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम के सांसद आ गए हैं। पार्टी के सांसदों ने 1 महीने की सैलरी दान देने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री M.K. Stalin ने तमिलनाडु के लोगों से आर्थिक मदद की अपील की थी। फिलहाल श्रीलंका में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। मुल्क में नागरिकों को भोजन और बिजली जैसी बुनियादी चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिवसीय यात्रा की सफल समाप्ति के बाद भारत के लिए उड़ान भर ली और वो पहुंच गए हैं। उन्होंने कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की थी, जिन्होंने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,275 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले एक दिन पहले दर्ज किए गए 3,205 मामलों से थोड़े ज्यादा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल दौरे पर है। भारत के विमानन नियामक यानी कि नागर विमानन महानिदेशालय ने घोषणा की है कि वो अब विमानों की रात्रि जांच शुरू करेगा। दरअसल DGCA ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब स्पाइसजेट के मुंबई दुर्गापुर के बीच उड़ान भरने वाले विमान के उतरते समय रविवार को गंभीर टर्बुलेंस के संपर्क में आने के कारण 17 यात्री घायल हो गए थे। इनमें से 2 घायल यात्री ICU में है। जम्मू कश्मीर में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 20 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सहित 33 नौकरशाहों के तबादले और तैनाती का आदेश जारी किया गया है। आदेश बुधवार देर रात जारी किया गया। आदेशानुसार जम्मू के संभागीय आयुक्त और 6 उपायुक्त का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। 1989 बैच के IAS अधिकारी अटल डुल्लू को करीब 10 महीने पहले ही कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत के राज्यों में जड़ें मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। खबर है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दोनों राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हाल ही में नड्डा ने कर्नाटक का दौरा किया था। वहीं बीते कुछ दिनों में वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश की यात्रा भी कर चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम पर अब तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने छात्रों की तरफ से दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राहुल और बेरोजगार युवाओं के बीच आमने सामने चर्चा के लिए कुलपति की तरफ से आदेश जारी किए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कैंपस का उपयोग राजनीतिक मंच के तौर पर नहीं हो सकता। भारत कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज और बूस्टर खुराक के बीच 9 महीने के अंतर पर फिर से विचार कर रहा है। जो लोग विदेश यात्रा करने वाले हैं और जिन देशों ने अपने यहां आने वाले यात्रियों के लिए तीसरा शॉट जरूरी कर दिया है, ऐसे मामलों में ये अंतर घटाया जा सकता है। मामले के जानकार लोगों का कहना है कि दूसरी और तीसरी खुराक के अंतर को घटाकर 6 महीने किया जा सकता है। दिल्ली NCR, UP, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में बुधवार शाम मौसम से करवट देखने को मिली है। बारिश और ओलावृष्टि के बाद यहां के लोगों को गर्मी की मार से कुछ हद तक राहत जरूर मिली। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी गुरुवार को भी देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिली है। कई दिनों से भीषण गर्मी और लू के सितम से परेशान लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में मई के महीने में भी बर्फबारी हो रही है। कल यानी शुक्रवार को भक्तों के लिए बाबा के द्वार खोले जाने हैं। उससे पहले बर्फबारी और बारिश ने यात्रा तैयारियों को पूरा करने में परेशानियां खड़ी कर दी है। आए दिन धाम में हो रही बर्फबारी से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी बाधित हो रहे हैं। केदारनाथ धाम में इन दिनों दोपहर बाद मौसम खराब हो रहा है। बर्फबारी के साथ जहां बारिश हो रही है, वहीं एक दिन बाद शुरू होने वाली यात्रा तैयारियों को समय पर पूरा करने में भी दिक्कतें हो रही हैं।
देश में कोयला संकट के चलते अगले 20 दिनों तक रेलवे ने कम से कम 1100 ट्रेन रद्द करने का फैसला किया है। इसे यात्री समेत व्यापारी वर्ग भी परेशान है। देश के कई हिस्सों में बिजली उत्पादन संयंत्र कोयला संकट का सामना कर रहे हैं। रेलवे ने इसे निपटने के लिए और कोयले की आपूर्ति के लिए रेलवे ने 15% अतिरिक्त कोयले का परिवहन कर रही है। इस सिलसिले में रेलवे ने अगले 20 दिनों तक करीब 1100 ट्रेनें रद्द करने का फैसला लिया है। चीन की शून्य कोविड नीति के कारण शंघाई के निवासियों को घोर उपेक्षा और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लीक हुए वीडियो में मानवाधिकारों के उल्लंघन की पुष्टि की है। कोविड महामारी की रोकथाम के रूप में चीन की कठोरता ने कम्युनिस्ट चीन की व्यवस्था के क्रूर और अमानवीय पक्ष को उजागर किया है। अमेरिका की एक पत्रिका नेशनल रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार ये देश के चीन के कठोर और अप्रभावी शासन को भी उजागर करता है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि मुंबई पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वाहन निर्माताओं से वाहन के हॉर्न की ध्वनि सीमा कम करने का अनुरोध किया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि हॉर्न 92 से 112 डेसिबल की सीमा में है, जो शीर्ष अदालत के दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है। शहर की पुलिस वाहन चेकों और वाहन चालकों द्वारा जोर से हॉर्न बजाने के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम प्रगति पर है। निर्माण क्षेत्र की कंपनी एलएनटी को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एक और बड़ा ठेका मिला है। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि एलएनटी कंस्ट्रक्शन को यह प्रोजेक्ट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से मिला है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एलएनटी कंस्ट्रक्शन को अनुबंध के तहत मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 116 किलोमीटर के मार्ग पर हाई स्पीड गिट्टी रहित ट्रैक का निर्माण करना है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के राज पर एक साथ बड़े सवाल उठाए हैं। कहा है कि 3 दशकों से इन्हीं दोनों ने बिहार पर शासन किया है, लेकिन दोनों के अच्छे काम के बावजूद इनके 30 वर्षों के शासनकाल में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। देश के सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन अप्रैल में शानदार रहा है। 5 महीनों में अप्रैल में इसमें तेज डिमांड आई है। नवंबर के बाद कंपनियों ने बड़े पैमाने पर भर्ती की है। ये तब है जब महंगाई की दर उच्च बनी हुई है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स अप्रैल में 57.9 हो गया है, जो मार्च में 53.6 पर था। ये नवंबर के बाद सबसे ज्यादा है। बीपीएससी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in और ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए हैं। ऐसे में जो भी छात्र छात्राएं इस एग्जाम के लिए हिस्सा लेने वाले हैं, वो पोर्टल पर जरूरी डिटेल्स एंटर करने के बाद अपने हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट से एक्ट्रेस अमीषा पटेल को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में गुरुवार को अमीषा पटेल की याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभिनेत्री अमीषा पटेल को धोखाधड़ी मामले में किसी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में निचली अदालत ने समन जारी किया था। इसकी उनकी तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इन दिनों विश्व के विभिन्न देश में सैन्य क्षेत्र में एक दूसरे से अधिक ताकतवर बनने की होड़ मची हुई है। ये देश अपने को सैन्य क्षेत्र में इतना अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि कोई उन पर आक्रमण करने से पहले अनेक बार विचार करे। ताकतवर राष्ट्र बनने की इस होड़ में वैश्विक सैन्य खर्च वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार सर्वकालिक उच्च स्तर 2113 अरब डॉलर यानी 160 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के सर्वे को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 6 मई को होने वाले सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर प्रतिवादी अंजुमन इत्तेजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन के बयान से केस करने वाली महिलाएं चिंतित है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के बयान से कोर्ट में केस करने वाली महिलाएं और उनके पैरोकार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इसलिए उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि सर्वे और वीडियोग्राफी तक उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। विधायक जिग्नेश मेवानी और NCP नेता रेशमा पटेल को मेहसाणा की एक अदालत ने 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर ₹1,000 का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने इस मामले में रेशमा पटेल और मेवानी समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया अभी तक जंग लड़ रही है। भारत में भी इस बीमारी का काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में काफी संख्या में लोगों की जान गई है। 2020 के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली डेटा में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जो दर्शाता है कि महामारी के दौरान लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचना कितना मुश्किल था। साल 2020 में दर्ज की गई सभी मौतों में से 45% से अधिक मौत मेडिकल देखभाल के अभाव में हुई। आंकड़े 2020 में अस्पतालों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं में तेज गिरावट को भी दर्शाता है। सरकार ने गेहूं की किल्लत की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि इस साल गेहूं की पैदावार और सरकारी खरीद लक्ष्य से कम होने की संभावना है, लेकिन देश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक इस साल किसानों को प्राइवेट व्यापारियों से MSP से ज्यादा कीमत मिल रही है और इसलिए किसान सरकार को कम गेहूं बेच रहे हैं। हालांकि इसके चलते आने वाले समय में गेहूं की कीमत बढ़ने का भी अंदेशा है।
सीएसके के खिलाफ विराट कोहली ने 33 गेंदों का सामना किया और इस दौरान उन्होंने आईपीएल में 5000 गेंद फेस करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। विराट कोहली के आईपीएल करियर का ये 218वां मैच था जिसमें उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। अब तक इस लीग में किसी भी बल्लेबाज ने इतने गेंद नहीं खेले हैं। आईपीएल में विराट कोहली ने अब तक 218 मैच में 5028 गेंदों का सामना किया और इसमें उन्होंने 6499 रन बनाए हैं। उड़ान योजना के तहत संचालित दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले लोगों को महंगी दर पर यात्रा करनी पड़ रही है। 10 मई को मुंबई से दरभंगा का किराया 20,000 को पार कर गया है। 4 मई को दरभंगा आने के लिए यात्रियों को प्रति टिकट 18,784 रुपए का भुगतान करना पड़ा। दिल्ली का किराया 6 मई को 19,000 से अधिक है। इन दिनों की अन्य तारीखों में भी किराया 10,000 रुपए से अधिक है। बताया जा रहा है कि लगन में घर आने वाले लोगों की भीड़ के कारण टिकट का दाम आसमान पर है। यूपी के जिला कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने जिला जेल की स्थिति पर बातचीत करते हुए कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में क्षमता से ज्यादा बंदी और कैदी हैं। कई बंदी सामान्य धाराओं में बंद हैं जिनकी रुपए और पैरवी के अभाव में जमानत नहीं हो पा रही है। जिला कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। महाराष्ट्र में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अमरावती का है जहां राणा दंपति के समर्थकों ने शिवसेना कार्यालय में तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस ने 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है दिलीप राम, नीतीश कुमार, प्रिया यादव ऑफिशियल, प्रीति कुमारी, नुन्नू कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, चंद्र मोहन कुमार, रंजीत मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स के प्ले ऑफ से बाहर जाने का कारण कौन रहा? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।